बोलता था उसका ड्रेस बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। नहीं नहीं, उसका सेंट बहुत अच्छा है। सेंट पर सेंट मर गया। क्या करता यार, बहुत जोर से मार। और भी जोर से मारूंगा। मर गया रे, मर गया, मर गया। कुछ चलूंगा, मैं सर दूंगा। थोड़ा मत मारना। देख फंस रही है कि नहीं। मन गुंडों की तबाही हूं मैं। अरे मैं बर्बादी हूं, मैं नहीं बचूंगा। मैं इसको नहीं छोड़ूंगा जी। मैं तो कभी पता नहीं। अब देखिए, आप बड़े जोर से खेलते हैं जी। आए 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 जेंटलमैन, ब्रश लड़कियों को छेड़ेगा? नहीं नहीं, ब्रश कर दो। हां ब्रश चाहिए। अरे 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 अरे, शराफत का जमाना ही नहीं रहा आजकल। हाँ, आजकल शरीफ आदमी है ही कहाँ। जोर से लगे क्या? हाँ, मैं तो बहुत बचा बचा के मार रहा था। बचा बचा के मार रहा था। अरे तूने कमाल कर दिया, वो जो तूने एक्टिंग की ना, जो नकली दांत निकाला कार का। अबे वो नकली नहीं, असली था, ये देख। अरे तेरा तो एक दांत किया गया। अबे सुन, अगर वो मिलेगी तो उसके सामने पूरा मुंह मत खोल देना। अशोक, कुछ भी क्या यार, लड़कियां पट गई। अरे क्या पिटाई की उसने उस गुंडे की, क्या आदमी था सच्ची। यार सीमा, अजीब इत्तेफाक है। क्या? क्योंकि मुझे भी एक गुंडा मिला था और उसकी भी एक बहादुर आदमी ने खूब पिटाई की। अच्छा? हाँ, लेकिन क्या हैंडसम आदमी था। अरे 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 तो क्या तू अपने हैंडसम आदमी से मुझे नहीं मिलाओगी? जरूर मिलवाऊंगी। और तू अपने वाले को छुपा के रखने वाली है क्या? अरे नहीं रे, आज सुबह ही बात हुई फोन पर उससे। सच? कल मिल रहे हैं। कहाँ? सुबह 8 बजे लोधी गार्डन में। ओह माय गॉड सीमा, हम लोग भी सुबह 8 बजे लोधी गार्डन में मिल रहे हैं। रियली? हाँ। तो ठीक है, तू तेरे वाले से मिला दे, मैं अपने वाले से मिला देती हूँ। लेकिन भूल मत जाना। हाँ हाँ, याद रहेगा। चौकी, बेस्ट ऑफ लक। वेरी वेरी गुड। गॉड ब्लेस मी। गॉड ब्लेस यू एंड मी बोथ। ये देख, यही अशोक है। चल मैं तुझे उसे मिला देती हूँ। ये अशोक तेरे वाला? हाँ, बहुत शरीफ है। I'm sorry सीमा, मैं तेरा दिल तोड़ना नहीं चाहती, लेकिन ये तो वही गुंडा है जिसने मेरे साथ छेड़खानी की थी। अरे क्या बात कर रही है तू? देख सीमा, निराश मत हो, ऐसा तो जिंदगी में होता रहता है। चेयर अप, कम, चल चल मैं तुझे विनोद से मिलवाती हूँ। अरे ये... वो रहा सीमा, यही है विनोद। भगवान करे तुझे भी एक दिन ऐसा ही शरीफ लड़का मिल जाए। शरीफ? अरे यही तो है जिसने मुझे छेड़ा था। इसने मुझे छेड़ा, उसने तुझे छेड़ा, उसने मुझे बचाया, इसने तुझे बचाया। लगता है ये दोनों मिले हुए हैं। लगता है दाल में जरूर कुछ काला है ना? इनको भी सबक सिखाते हैं। ओके चल। Really? We must teach them a lesson. We can't just let them go. Oh, hi. शीतल, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो, ये मुझे पूछने की जरूरत है। इनसे मिलो। ये है राकेश, मेरे फैन। हेलो हेलो। हाँ आ गई। तू? तू? आई? नहीं, तेरी? मेरी भी नहीं। हेलो 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 हेलो, यही है ना वो दो गुंडे जो तुम्हें तंग कर रहे थे जी? गुंडे? हम आपको गुंडे नजर आ रहे हैं। तुम में से विनोद कौन है? विनोद कौन है? विनोद? विनोद कोई भी नहीं। अशोक कौन है? अशोक? अशोक भी कोई नहीं। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम ओमनाथ। सोमनाथ? ओमनाथ सोमनाथ। यहाँ क्या कर रहे थे? हम पौधों की रिसर्च कर रहे थे। सोमनाथ, 9 नंबर बस का टाइम हो गया, चले। अरे तुम लोग बस में नहीं, तुम लोग हमारे साथ सीधे जीप में चलोगे। आप क्या घर में छोड़ेंगे? घर नहीं, तुम्हें बड़े घर छोड़ देंगे। सीरियस है आप? तो हाथ की रेखा देखिए। मैंने कहा ना सीधे मेरे साथ चलो। सबका पता नहीं, आगे से ऐसी हरकत नहीं करना। बिल्कुल नहीं जी। सीधे चले जाओ, ऐसा ही चलो। ये भी लीजिए। सीधे चले जाओ, सीधे सीधे। अब तो बस में ही जाना पड़ेगा, पेट्रोल के पैसे ले लिए इसने। पीछे नहीं, आगे। भाग भाग। पैदल चलेंगे। हालत देखिए अपने आशिकों की। लड़कियां बहुत अच्छी थी। स्टुअर्ट, 2 लार्ज व्हिस्की लाओ। ड्राई डे है। 2 चाय लाओ। दो नहीं, 3। आप यहाँ क्या कर रही हैं? क्यों, चाय नहीं पिलाएंगे? चाय?
पिलाएंगे पिलाएंगे हाँ पिलाएंगे। अरे तीन चाय लाओ। तीन नहीं चार। क्यों भाई चाय भी नहीं पिलाएंगे? पिलाएंगे जी पिलाएंगे। हाँ पिलाएंगे। चार चाय लाओ। चार 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 नहीं। हाँ सुना नहीं तुमने? चार नहीं पांच। पांच जय पांच। पांच चाय लाओ भाई। कुछ मिठाई उठाई खाएंगे आप? सिगरेट पियेंगे बाद में। एक्सक्यूज मी सर, अब आपको और क्या चाहिए? देखिए हमने तो इनको हाथ भी नहीं लगाया। जी बिल्कुल बिल्कुल हाथ नहीं लगाया। अलबत्त हमने एक दूसरे को हाथ जरूर लगाया है। हाँ यही तो मैं कह रहा हूँ कि आप लोग बिल्कुल अनाड़ी हैं। आप लोगों को कुछ भी नहीं आता जी। आप लोगों को लड़कियां फंसानी भी नहीं आती। क्या बात कर रहे हैं आप? हम आपको लड़कियां फंसाने वाले नजर आते हैं? इंस्पेक्टर साहब हम निहायत ही शरीफ आदमी हैं। जी हाँ वो तो मैं अभी बताता हूँ। अबे तू तुम लोगों का काम हो गया है। पहली नजर में हमने तो अपना दिल दे दिया था तुमको, पर तुमने देर लगाई, रुक रुक के बात बढ़ाई। शीतल। ओ हेलो। मेरा इंतजार कर रही हो? इंतजार आपका? घबराओ नहीं, आप ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा क्योंकि हम दोनों की शादी होने वाली है। शादी? हाँ मैंने आज ही मम्मी से बात कर ली है।
अब मेरी मम्मी आपकी मम्मी से बात करेंगे, आपकी मम्मी आपके डैडी से बात करेंगे, आपके डैडी मेरे डैडी से बात करेंगे और वहां क्या देंगे। कम ऑन लेट्स गो, चलो छोड़ो छोड़ो मेरा हाथ छोड़ो। जब हाथ छोड़ने को कह रही है तो छोड़ दो। आप कौन होते हैं हमारे बीच में आने वाले? ये मेरी होने वाली बीवी है। जी होने वाली है ना, हुई तो नहीं। देखो विनोद, शायद तुम ये भूल रहे हो कि मेरे डैडी चेयरमैन है। जानता हूं। देखो रणधीर, एक बात याद रखना, दुनिया में हर चीज खरीदी जा सकती है लेकिन मोहब्बत नहीं, क्योंकि मोहब्बत बिकती नहीं। काम डालें। शीतल गुड न्यूज लाया, शादी का मुहूर्त निकल आया है। अबे प्यार तो इकट्ठा किया था, शादी में पीछे क्यों रह गया? जो जख्मों पे नमक छिड़का है, जैसे पिताजी लंदन से वापस आए, नो मंगनी पट गया फट पपलो। वेल जेंटलमैन, सो वी हैव ऑल अग्रीड। आप सबने इन तीनों डिजाइनों में से ये डिजाइन नंबर 2 पास किया है। जी हाँ, यही सबसे अच्छा है। दिस इज द बेस्ट। इसी को पास किया जाए। आप लोग? जी हाँ, यही सबसे अच्छा। देन लेट्स कॉल देम। चपरासी जी सर, साहब लोगों को बुलाओ। हाँ जी। अरे क्या कर रहे हो तुम, इसको सीधा लगाना चाहिए। देखते रहो। विनोद बोर्डरूम में बुलाया है। आया। संदीप बोर्डरूम में बुलाया है, लगता है डिजाइन का फैसला होगा। हाँ हाँ मुझे पता है, डिजाइन तो मेरा ही पास होगा। एनी डाउट्स? कम ऑन लेट्स गो। सुनो विनोद, तुम्हें शादी का तोहफा नहीं दिया था ना? हाँ। आज मिल जाएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। आओ चलो। ये बात तो अभी काम तो करना चाहिए। गुड मॉर्निंग सर। मेरा ख्याल आप कार्रवाई शुरू की जाए। जेंटलमैन, आप तीनों को यह सुनकर खुशी होगी कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने सुपर एक्सप्रेस का प्रोजेक्ट पास कर दिया है और अब सुपर एक्सप्रेस का ख्वाब बहुत जल्द हकीकत बन जाएगा। इस प्रोजेक्ट में भेजे हुए बहुत से डिजाइनों में से सिर्फ 3 डिजाइन फाइनल सिलेक्शन में आए थे और जाहिर है कि वो तीनों आप ही लोगों के थे। पूरी कमेटी ने काफी गौर खोज के बाद एक राय होकर एक डिजाइन पास किया है और वो डिजाइन है मिस्टर विनोद वर्मा का। विनोद मुबारक हो। शुक्रिया सर। कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर वर्मा। थैंक यू। बहुत बहुत मुबारक हो विनोद। थैंक यू सर, ये सब आपकी मेहरबानी। ओह नो विनोद, ना ये मेरी मेहरबानी है ना कोई एहसान है, ये सब तुम्हारी मेहनत और काबिलियत का फल है। यू डिजर्व इट। थैंक यू सर। और हाँ, दूसरी खुशखबरी यह है कि इस प्रोजेक्ट के इंचार्ज भी तुम्हें। डबल मुबारक हो, मुझे यकीन था कि तुम्हारा ही प्लान पास होगा। थैंक यू राकेश। राकेश, ये प्रोजेक्ट बहुत मुश्किल है और मुझे तुम्हारी और रणधीर की सख्त जरूरत पड़ेगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ। थैंक यू। रणधीर तुम भी। रणधीर कहाँ है? आ गए। हाँ। अरे यहाँ तो सब पहुँचे हुए, मैं तुम्हें देखने के लिए घर गया था। हमें मालूम था आप यहाँ आने वाले हैं। मगर वो सुपर एक्सप्रेस है कहाँ? मुबारक हो चाचा जी। भाई तुम्हारी और विनोद की दोस्ती ऐसी है जैसे इंजन और डब्बे की। वो डिब्बा है कहाँ? वो घर पे रहते ही कब है भाई साहब? कहाँ गया? अपनी ट्रेन के साथ थोड़ी देर में यार्ड पहुँचने वाले हैं। थोड़ी देर मतलब उसे जल्दी पकड़ना चाहिए। ये जानते हैं चाचा जी, आइए मेरे साथ। चलो मैं चली। Oh!
नहीं। God help us, सीमा। मेरे साथ ट्रेनों को लेकर पागल है और तेरे साथ गाड़ियों को लेकर। ये तो दोनों ही पागल हैं। हाय शोकी। मैंने कहा था ना मेरी कार तुम्हारे इंजन से पहले पहुंचेगी। वो बात मैं तुझसे तब करूंगा जब मेरा इंजन रेडी हो जाएगा। मुबारक हो। विनोद, जिस दिन तेरी सुपर एक्सप्रेस रवाना होगी झंडी हम देंगे। सच? वादा? वादा। वादा? हाँ वादा। और इसी तरह हमको मत वाले रोज मिले बोलो वादा। हाँ ये वादा। एक बार और वादा। कहा ना वादा। देखो खाली ढूंढे नहीं हमको ये राह। जुदा होके जीना हो तो जीना है गुनाह। Love you very much. अब तो शादी हो जानी चाहिए। क्यों? देखो आज सगाई भी हो गई है, तुम्हारी पढ़ाई भी पूरी हो गई और सुनो तुम जवान भी हो गई हो। अच्छा। अब तो शादी हो जानी चाहिए। शादी जल्दी तो नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि शादी से पहले मुझे अमरनाथ जी के मंदिर जाना है। भगवान की इजाजत चाहिए? अच्छा। मैंने मन्नत मांगी थी, अगर तुम मिल जाओ तो मैं अमरनाथ जी के मंदिर में प्रसाद चढ़ाऊंगी। ये बात है तो डार्लिंग एक प्रार्थना और करना कि हमारी शादी जरा जल्दी हो जाए। कल यात्रियों की बस जा रही है, सोचती हूँ मैं उसी में चले जाऊँ। क्यों? मेरी होने वाली बीवी बस में जाएगी? मेरी गाड़ी लेकर जाओ तुम। नहीं, मैं तो बस में ही जाऊंगी। क्यों जी? शादी से पहले मैं तुम्हारी कोई भी चीज इस्तेमाल नहीं करूंगी। क्यों नहीं जी? नहीं 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 नहीं। सीमा, सॉरी मामा जी देर हो गई। अरे तू कहाँ चली गई थी, हमने तो समझा तो आएगी नहीं। वो बात ही है मामा जी की गाड़ी खराब होती वरना हम जल्दी पहुंच जाते। अच्छा अच्छा चल चलो चल सुनो अपना ख्याल रखना जल्दी आना। हाँ भगवान जी से कुछ कहना है? कहना थैंक्स, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो और सुनो आई लव यू। ढाई करोड़ का घाटा? नहीं नहीं ये झूठ है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये सच है शेख जी। क्या कहा? ये सच है। अगर ये सच है तो मैं बर्बाद हो गया, मैं लुट गया, मैं कहीं का नहीं रहा। हेलो, मैं रतन दास बोल रहा हूँ। हाँ रतन दास बोलो। मैं कल रुपए लेने आ रहा हूँ। कल? नहीं नहीं रतन दास ऐसा मत करो, रतनदास मैं बर्बाद हो जाऊंगा, कंगाल हो जाऊंगा। तुम्हें मेरी दोस्ती का वास्ता, रतनदास मुझे थोड़ी मोहलत दो। कोई मोहलत नहीं मिल सकती, बिजनेस इज बिजनेस सेठ। कुछ भी करो, जायदाद बेचो, मकान बेचो, कोठी बेचो, कुछ भी करो, मेरे 2.5 करोड़ रुपए कल सुबह तक मिल जाने चाहिए सेठ।
ये भी आपकी नहीं रही, सॉरी। जी सुनकर बड़ा अफसोस हुआ। देखा आपने, अचानक सब कुछ चला गया। इस दुनिया में विनोद और सीमा के सिवा मेरा कोई नहीं रहा। सीमा आ गई। हाँ। उसने ये खत दिया है तुम्हें। अच्छा, अशोक बाबू, हमने जो कसमें खाई थी वो अब पूरी नहीं हो सकेंगी। मैंने जो सपने तुम्हारे साथ देखे थे वो भी कभी पूरे नहीं हो सकेंगे। मैंने जिंदगी में बहुत दुख देखे हैं, तुम्हारे साथ अमीरी देखी तो लगा कि जिंदगी में खुशियां भी देख पाऊंगी, भरपूर ऐशो आराम की जिंदगी जीऊंगी, पर अब तुम खुद गरीब हो गए हो। जिसके पास अपना कुछ नहीं है वो मुझे क्या दे सकता है। ये अंगूठी भी वापस कर रही हूँ, शायद तुम्हारे काम आ जाए। अशोक का दिल टूट गया। पहले तो डैडी के चले जाने का गम, सब कुछ खो जाने का दुख, और अब सीमा की तरफ से लगी हुई गहरी चोट। अशोक को दुनिया से नफरत हो गई। उसने घर बार, दोस्त अहबाब सब कुछ छोड़ दिया, और उधर सुपर एक्सप्रेस की धुन में विनोद भी सब कुछ भूल गया। बीवी की जगह गाड़ी ने ले ली, और जैसे जैसे गाड़ी बनती गई घर टूटता गया, और शादी सिर्फ एक रस्म बनकर रह गई। हेलो, हाय डार्लिंग, ओह आई एम सॉरी, I got too much of work, baby. I can't come. I'm sorry. I just can't come. I got to work. Please. तकदीर के तूफान में दोस्तों के प्यार की ये दो कहानियां अलग हो गई। अशोक की मोहब्बत टूटी और विनोद का घर। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। गुड इवनिंग। आपकी ट्रेन कल रवाना हो रही है। आपको ये ट्रेन बनाने की प्रेरणा कहाँ से मिली? बचपन से मेरा सपना था। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में आपको कितना वक्त लगा? 6 years, my friend. 6 साल मेरे और 6 साल मेरी बीवी। तो क्या आपकी वाइफ ने भी इस प्रोजेक्ट में काम किया है? मैंने 6 साल ट्रेन बनाने में लगाए हैं और मेरी बीवी ने 6 साल मेरा इंतजार करने में बिताए हैं। वेरी इंटरेस्टिंग आंसर। लेकिन क्या आपकी बीवी ने कोई शिकायत नहीं की? जी नहीं, मेरी बीवी मेरा काम और मेरे सपने दोनों समझती है। मिस्टर विनोद, इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का असली क्रेडिट आप किसको देते हैं? सबको, मजदूर से लेकर रेलवे बोर्ड के बड़े अफसर तक को। वो देखो। आपके कोई शौक? शौक प्यार करना, अपनी ट्रेन को और अपनी बीवी को। एक्सक्यूज मी लेडीज एंड जेंटलमैन, राकेश ने ट्रेन दिखा दो। हाँ डैडी, मैं भी ट्रेन देखूंगा। हाँ तुम भी जाओ। आज भाई, ओके, माय लव इज वेटिंग। आइए सर, लेट मी शो यू इंडियाज फाइनेस्ट ट्रेन। यस यस। बाबा क्या बात है, यहाँ कैसे? तुम्हें लेने आई हूँ। मुझे क्यों? भूल गए, आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है। ओह माय गॉड, कंग्रेचुलेशन। चलो चलते हैं। आज तो मुश्किल है। क्यों, क्या मुश्किल है? डार्लिंग तुम जानती हो कल ट्रेन रवाना हो रही है, छोटे छोटे डिटेल के काम अभी तक बाकी हैं। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे लिए एक एक मिनट कीमती है, मैं पार्टी पे नहीं आ सकूं। लेकिन मैंने तुम्हें पूछ के पार्टी अरेंज की थी जान। इस ट्रेन के सामने तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहता। मैंने मेहमानों को फोन करके बुलवा लिया है, अब तुम उन सब के सामने मुझे बेइज्जत करना चाहते हो तो ठीक है। इसमें बेइज्जती की क्या बात है, मेहमानों से माफी मांग लेना। पार्टी फिर भी कभी हो सकती है, लेकिन पार्टी के लिए ट्रेन तो नहीं रोकी जा सकती। डोंट यू अंडरस्टैंड द सिंपल थिंग? लेकिन मेरे भी कुछ अरमान है विनोद। हैव यू एवर ट्राइड टू अंडरस्टैंड दिस सिंपल थिंग? डार्लिंग, अरमान एक दिन के लिए इंतजार कर सकते हैं, ट्रेन नहीं। तुम्हें क्या पड़ी है मेरे अरमानों की? एक एक दिन करके मैंने 6 साल गुजार दिए, और आज हमारी शादी की सालगिरह के लिए भी तुम्हारे पास वक्त नहीं है। डार्लिंग, कल से वक्त ही वक्त है, बस एक ही दिन की तो बात है। एक ही दिन की तो बात होती है, ये तो मैं कितने अरसों से सुनती आई हूँ। ठीक है, जाओ तुम्हारी ट्रेन के पास, अब तुम्हारे पास किसी के लिए वक्त नहीं रह गया, ना तो तुम्हारे दोस्तों के लिए और ना ही तुम्हारी बीवी के लिए। जाओ तुम्हारी ट्रेन के पास, जाओ। डार्लिंग, विनोद, ये रही सेरेमोनियल फ्लैग, कौन दे रहा है झंडी?
मेरे ख्याल से भाभी देती तो बहुत अच्छा होता। नहीं 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 यार, अशोक ने कहा था कि वो देगा चंडी, तब ट्रेन चलेगी। 6 साल में दुनिया कितनी बदल गई है, कितना कुछ बदल गया है। भारतीय रेलवे ने ये सबसे तेज रफ्तार लग्जरी सुपर एक्सप्रेस बनाई है। ये ट्रेन बंबई और दिल्ली के बीच का रास्ता 14 घंटे में तय करेगी। इस ट्रेन को हिंदुस्तानी विनोद का सपना पूरा हो गया, ये ट्रेन उसी ने बनाई है ना? जानता हूँ, हम भी कल इसी ट्रेन से बॉम्बे जा रहे हैं। इसी ट्रेन से? ये भारत के ही नहीं, जापान को छोड़कर सारे एशिया में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है। यार तुम हमेशा प्लेन से जाते हो स्मृता, इस ट्रेन से जाओ, बड़ी शानदार ट्रेन है। आमा शायद तुम्हें मालूम नहीं, हम इसी ट्रेन से जा रहे हैं। रियली? अंकल दुनिया बहुत तरक्की कर चुकी है, जो लोग ट्रेन से सफर करते थे अब प्लेन से सफर करना चाहते हैं, और आप उल्टा प्लेन से ट्रेन पर आना चाहते हैं। मेरी बात मानिए, आप प्लेन से ही जाइए। क्यों, क्या बात है, ट्रेन में खतरा है क्या? अरे पागल है ये, तुम ट्रेन से ही जाओ, भाभी भी जा रही है क्या? यार जग्गी, तुम्हें भूलने की बहुत आदत है, तुम शायद भूल गए कि 2 दिन बाद हमारी शादी की 25वीं सालगिरह है, यानी कि सिल्वर जुबली ईयर। ओ मुबारक हो। थैंक यू। इसलिए हमने ये तय किया है कि हम ये सालगिरह ताज होटल के उसी सुइट में मनाएंगे जहाँ की हमने अपना हनीमून मनाया था। देखो ना, वही शहर, वही होटल, वही सुइट, वही बीवी। ओह दैट्स राइट डैडी, हमें एनिवर्सरी डिनर खिला के जाइएगा ना? ओ व्हाई नॉट, जगमोहन क्या ख्याल है? हो जाए, व्हाई नॉट, लेट्स ऑल गो। जाओ जाके मम्मी को तैयार हो जाएं, कम ऑन हरी अप। मधु वेड्स हरीश, लुक्स इंटरेस्टिंग। जग्गी कैसा लगा ये होटल? यार ये होटल नया है, मैं पहली बार आ रहा हूं। कैसा लगा? अच्छा है ना? मैं समझता हूँ अच्छा है। हाँ बहुत अच्छा है। ये डिजाइन देखो। सॉरी जेंटलमैन, अब आओ ना, आओ। ओके फाइन, इट्स ऑल राइट। ओह हो हरी भाई, बधाई हो। बैठिए बैठिए बैठिए, कांग्रेचुलेशन। हेलो मिस्टर रॉबर्ट, वेलकम वेलकम। अंकल जी, अंकल जी मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक। आप? अरे खा साहब, मैं खा साहब से मिलकर आया। आधा वर्दा आधा बरखुदार, मगर मैं तुमको, आपने मुझे नहीं पहचाना? नहीं नहीं, मुझे मालूम था, यही तो मुझे आपसे शिकायत है, शिकवाया गिला। गिला? जब गले मिल गए तो सारा गिला जाता रहा खा साहब। बाकी सब खेरे था ना? खेरीत मगर। अरे भैया भैया, भाभी खुशी भैया। अरे भैया, आपका सच अ लॉन्ग टाइम, कैसी हो भाभी? ठीक हूं। आप मुंह क्या देख रहा है? जालिम नहीं पहचानना तो मत पहचान, लेकिन गले तो लग जा। मैंने आपको पहचाना नहीं। कोई बात नहीं, गलती अपनी है। हरीश हाय, मुबारक हो, क्या जच रहे हो यार, नहीं पहचाना? नहीं पहचाना। कोई बात नहीं, डैडी कहाँ है? डैडी डैडी वहाँ है। ओह अभी मिलकर आया। हेलो डैडी, बहुत बहुत मुबारक हो, इसी मौके का इंतजार था। बैठो बेटा। हाँ तो जजमान, मैं कह रहा था कि शनि की शुभ दृष्टि आपके सारे परिवार पर है। अच्छा? बहू तो साक्षात लक्ष्मी का रूप है, ये शादी बड़ी शुभ है। मैं ये शादी नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। क्या बकवास कर रही हो, ये शादी होगी और जरूर होगी। मैं जिससे प्यार नहीं करती उससे शादी कैसे कर सकती हूँ? प्यार? फिर वही प्यार का भूत बोलने लगा। हमारे घराने में प्यार के लिए खानदान की इज्जत होती है। मैं तुम्हें वो सब दे रहा हूँ जो औरों को सपने में नसीब नहीं होता, पैसा नाम खानदान शोहरत। पैसा नाम इज्जत शोहरत मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये मेरी जिंदगी का सवाल है पापा। मैं ये शादी नहीं करूंगी, हरगिज नहीं करूंगी। शट अप, तुम्हारे अच्छे बुरे की जिम्मेदारी मुझ पर है और मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। ये लो, तैयार हो जाओ, लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। यजमान क्या बात है, मुहूर्त पीता जा रहा है, कन्या को शीघ्र बुलाइए। हाँ हाँ जल्दी करिए, ऐसी कन्या कन्याकुमारी में नहीं मिलेगी। मुनि जमदु को ले आ।
जल्दी चलो। टैक्सी। अंकल 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 जी, अंकल जी मौत आ गई। क्या? सुपर एक्सप्रेस, जी हाँ, भारत की सबसे तेज चलने वाली गाड़ी, जिसका पूरे देश को इंतजार था, जनता की सेवा में अब हाजिर है। भारतीय रेल के इतिहास में ये गौरव का दिन है। आज फ्रांस और जापान की तेज रफ्तार गाड़ियों के मुकाबले में भारत ने भी यह सपना सच करके दिखा दिया है। दिल्ली से बंबई तक की यात्रा, जिसे अभी तक हम 23 घंटों में पूरा किया करते थे, अब सिर्फ 14 घंटों में पूरी की जाएगी, और इसका श्रेय है प्रोजेक्ट इंजीनियर श्री विनोद वर्मा को। मेजर भंडारी थ्रू यूएनओ, डू यू नो? मारे कन्हैया, बड़ी शुभ चीज है। बुलाओ। क्या मतलब? मेरा मतलब है कैंपा कोला। अच्छा अच्छा। अरे कोला को मारो गोला, गाड़ी छूट जाए। चलो चलो चलो, यात्रा बड़ी शुभ रहेगी। कंडक्टर साहब, ये हमारा चेक कर लीजिएगा। ये सब आपकी सीट है। तुम लोग लास्ट लाइन पे बैठो। चलो कमान अनिल, तुम यहाँ बैठो बेटे। नरम नरम डनलोप का गद्दा लगता है। आहा, वाह वाह, गड्डी बड़ी शानदार है। बंतो दी मां, तन याद है साढ़े ब्याह ते तेरे प्यो ने भी डनलोप का गद्दा देन दा वादा कीता सी, पर हाली तक नहीं सु दिता। पर तुहानू की तकलीफ होई? जो होई ता मैनू होई। ओले बो मे आई हेल्प यू? आपका टिकट सीट नंबर 34, मिस्टर अब्दुल रहमान। हरिओम हरिओम। क्या कहा? मेयर अब्दुल रहमान? सॉरी पंडित जी, ये टिकट आपका नहीं है। भाइयों, ये टिकट तो इन्हीं को है, सिर्फ नाम बदल गया है। वारे कन्हैया, तुम नाम की बात कर रहे हो या जात धर्म सब बदल गया? सेठ जी कुछ करो। अरे हटो बाबा, रास्ता दो ना। दीपक का राजू आओ आओ। अरे भाग्यवान तुम भी आओ। हरिओम हरिओम। इतने बड़े पंडित शंभुनाथ का नाम ही बदल दिया, मेरा दिन ही खराब निकला है। जय संतोषी माँ, आज मुझे पहली बार नहाना पड़ेगा। लाहौल विलाकोत, पंडित जी क्या आप कभी नहाते नहीं हैं? मैं आपसे बात नहीं कर रहा। कौन है ये? मुझे क्या मालूम। इट्स अ ग्रेट डे फॉर यू, तू तो आज बहुत खुश होगा। हाँ राकेश, बहुत खुश हूँ, लेकिन मुझे और भी खुशी होती अगर अशोक भी हमारे साथ यहाँ होता। झंडी देने का वादा तो पूरा नहीं कर सका विनी, लेकिन आज तेरी सुपर एक्सप्रेस में सफर कर रहा हूँ। ऑल द बेस्ट। ओहो क्या बात है। अरे ये कौन है? ओ ओ चलो यार, चलो इधर आओ। अरे ओ प्रेमी, बम 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 बम। मे आई हेल्प यू? अबे ओए Don't try to show off. बंतो दी माँ, तेनू याद है जब साडा नवा नवा ब्याह होया, मैं तेनू अपने हाथ नाल गड्डा के तू आ गया। मैं क्या पानी तलिया बच्चा वास्ते कि प्यासी ना मर जान। हाँ गल भी ठीक है, एला तू फड़ी, मैं पानी लेके आया। ओहो ऐ तो ले जाओ, ले आओगे कि विच? हाँ भी गल ठीक है। हाँ जुगनी जान दी ते पंजाब, पानी लैन चलिया जी, बाहर लगता है कि जुगनी जान दी। भलवान कुश्ती हार के आया, सारी सुराई तोड़ दी। तो जाके चल, ट्रेन में पूरा इंतजाम है पानी का, चलिए आप। मैं भीतर जान दे। सरदार जी, अगर ये मिलिट्री का भूत नहीं होता तो देश के एक बहुत बड़े सिपाही का पेट टूट जाता। नहीं अरे मालूम है हिंदुस्तान के लिए हम क्या करते हैं? लड़ाइयां लड़ते हैं, और आप क्या करते हैं? सुराही तोड़ते हैं। बहुत कीमती है हमारा वक्त। वेरी बैड ऑन योर पार्ट। मिलिट्री भाषा पी के भंडारी, थ्रू यू एंड के बंदर भंडारी भंडारी। अंदर तुम्हें छोड़ के जाने को दिल नहीं करता। ऐसा कहोगी तो जाने नहीं दूंगा। तुम्हें
जाने दो। और तुम्हारी मम्मी? अच्छा सुनो, अपना ख्याल रखना और खाना टाइम पे खाना। तुम भी अपना ख्याल रखना, फोन करती रहना और जल्दी से मुझे एक खूबसूरत बच्चे का बाप बनने की खबर देना ना। माँ जी मैं चलता हूँ, गाड़ी जाने का वक्त हो गया है। अच्छा जीते रहो, मुझे थोड़ा सा काम भी है। अच्छा कोई बात नहीं, जीते रहो, जीते रहो। बाय बाय बाय। क्या मैं डैडी से मिल सकता हूँ? नहीं बेटे, तुम्हारे पापा बहुत बिजी हैं। अच्छा तो डैडी से कहना ट्रेन की देखभाल मैं करूँगा। ठीक है। ज्यादा मजे मत लेना, 100 मील के ऊपर नहीं। Right, इसकी फिक्र आप मत कीजिए सर, आई एम देयर टू लुक आफ्टर। एक्सक्यूज मी डैडी, डैडी। हाँ हेलो राजू बेटे, तुम तो आने नहीं वाली थी। एनीवे थैंक्स फॉर कमिंग। मैं यहाँ ट्रेन देखने नहीं आई, राजू को भेजने आई। राजू बेटे तुम अंदर जाओ। हाँ राजू कहाँ जा रहा? बॉम्बे, इसकी नानी के घर। क्यों? वजह तुम्हें मालूम है। क्या मतलब? मैं नहीं चाहती कि वो हमारे बीच होते हुए झगड़ों को हमेशा देखे और इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। शीतल तुम हद से आगे बढ़ रही हो। साहब वो मिनिस्टर साहब आ गए। हाँ मैं भी आता हूँ। राइट सर। शीतल राजू बंबई नहीं जाएगा, समझ गई? मैं तो आपके सॉरी का इंतजार कर रहा हूँ। सॉरी तो आपको कहना चाहिए। क्यों 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 क्यों? गलती तो आपकी है ना, आप लड़खड़ाती और ना मैं आपसे टकराता। खैर कोई बात नहीं, टकराता नहीं तो मुलाकात कैसे होती? लेकिन मुझे मुलाकात की कोई जरूरत नहीं, समझे आप? मुझे तो जरूरत है, मेरा मतलब आइए ना सीट ढूंढने, आइए। कृपया ध्यान दीजिए, पश्चिम रेलवे आपका स्वागत करती है और इस ट्रेन की पहली यात्रा में शामिल होने वाले यात्रियों को बधाई देती है। आपकी यात्रा की सफलता के लिए हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। Well done, very well done, my boys. Thank you, sir. I hope everything is all right. Oh yes, everything is first rate. हाँ सुनो, बंबई में इस ट्रेन को रिसीव करने के लिए बड़ा जबरदस्त इंतजाम किया गया है। मैं चाहता हूँ कि आज शाम की फ्लाइट से तुम दोनों में से एक इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए वहाँ पहुँच जाओ। सर मैं तो नहीं जाऊँगा, मैं कंट्रोल रूम में रहना चाहता हूँ। सर मैं जा सकता हूँ? हाँ बोल दो ना। सर इसकी बीवी इसी ट्रेन से बंबई गई है। Oh, then it'll be a happy surprise for Mrs. Rakesh. ठीक है, तुम बंबई जाओ, 4 दिन की तुम्हारे लिए छुट्टी है। Enjoy yourself. Thank you, sir. All the best. पंडित जी बड़ा मजा आ रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है, कितनी देवियां हैं। लाहौल विलाहो, चुप रहिए, मैं आपसे नहीं बोल रहा हूँ। शरबत है, शरबत है मुलाजिम, ये शरबत कितने का? फ्री है सर। फ्री? ओए लाले की जान, शरबत फ्री? लो पंडित तुम भी पियो। मुलाजिम घूम गया। हम एक शरबत और ले सकते? जी हाँ ले सकते हैं। बाजी साढ़े शरबत लगता काहे नहीं? आंधा ही होएगा। ओ शरबत बादशाह, इधर को आई यार, इधर को आई यार, आजा 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 आजा। कमाल करता है शरबत बादशाह, टिकट हमारे पास 1, 2, 3, 4 ते शरबत का गिलास एक। अभी लाए वो आया था, दे जा। हाँ पढ़ ले लेते भी लेके चला जाऊंगा। आई कूट अपने वही 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 सरदार साहिब कह रू, ये शरबत नहीं पीना। क्यों पठान बादशाह, आप तो तीन तीन पी गया, हमको बोलता एक भी ना पीना, क्यों इसके अंदर कोई नशा को लिया है? ये पेशावर है। पेशावर? ओए जैसे कोई चीज दस्तावूर होता है ऐसे ये पेशाबावूर है, इसके पीने से पेशाब आ गया। ओ पठान बादशाह, एक ना दो। क्यों पेशावर खान, क्या हुआ? वो हम तो भोलिए। एक बात कहूं साहब, सच पूछिए तो बड़ी ज्यादती हुई आपके साथ।
नहीं तो ये गाड़ी विनोद साहब के नाम पर नहीं, आपके नाम पर चल रही होती। आप सीनियर भी तो थे। कोई बात नहीं उस्मान अली, किसी का दिन होता है किसी की रात, और फिर बात बनने और बिगड़ने में कितना टाइम लगता है। ये राम कली कहाँ चली? अपने साजन की गली। अरे तो पान तो खाती जा। अरे मेरी जान, तेरा पान नहीं खाऊंगी तो किसका खाऊंगी? तो आजा। ला दे सबके जाऊं सबके। क्या बात है, बोलो बाबू। अरे राम फंस गया बाबा। कैसा है तू? मंगलवार 9 बजे 9 तारीख रॉक्सी। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? जी हाँ अवश्य आइए। अरे आप कौन है? हरिओम शिव हरे हरे मुरारी, कौन है ये? मुझे क्या मालूम। नौज बिल्ला, आप मेरी तरफ को तशरीफ ला रही हैं? ये क्या करें, आप यहीं बैठ गई। आप दोनों में से कोई पान खाएगा? मैं सिर्फ तुलसी का पत्ता खाता हूँ। मैं पान खाती हूँ। अरे बड़े साहब, आप ये सब पुल क्यों तोड़ रहे ड्राइवर साहब? बात ये है बड़ा साहब कि इंजन चलाने में हमको इससे तकलीफ होता है। सब ठीक तो है ना ड्राइवर साहब? एकदम फर्स्ट क्लास। कौन डालेंगे? We are off now, darling. कल बॉम्बे और फिर रात की फ्लाइट से स्विट्जरलैंड। गॉड ब्लेस यू माय चिल्ड्रन। जवाब दो मुझे, तुमने राजू को बॉम्बे क्यों भेजा? मेरी मर्जी। तुम एक दिन और इंतजार नहीं कर सकती थी? इंतजार इंतजार इंतजार, ये इंतजार का नहीं फैसले का वक्त है। फैसला? कैसा फैसला? मैं जा रही हूँ विनोद, मैं इस घर में नहीं रह सकती। तुम पागल हो गई हो क्या? इस छोटी सी बात के लिए इस घर को बर्बाद कर देना चाहती हो? मैं इस घर को बर्बाद कर देना चाहती हूँ? मेरी इस घर में कीमत ही क्या है? वही जो इस सोफे की है, वही जो इस मेज की है। मैं सारी जिंदगी बेजान फर्नीचर की तरह नहीं रह सकती विनोद। तुम्हारे पास किसी के लिए वक्त नहीं, ना ही अपनी बीवी के लिए और ना ही अपने घर के लिए। तुम समझती क्यों नहीं हो शीतल, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम किसी से प्यार नहीं करते विनोद, तुम सिर्फ अपनी ट्रेन से प्यार करते हो और अपनी सफलता से। तुम्हें बीवी की कोई जरूरत नहीं। शीतल 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 शीतल, रुक जाओ शीतल शीतल। बहू को रोको विनोद, बहू को रोको। नहीं पिताजी, जाती है तो जाए। पागल हो गया क्या? उसके दुख को समझो। क्या समझू क्या समझू विनोद? पत्नी को अहंकार से नहीं प्यार से जीता जाता है। तुम जिंदगी को रेल की रफ्तार से तौल रहे हो, उस रफ्तार से क्या फायदा जो घर से दूर ले जाए। लव, खजाना कहाँ रखा है? ऐसी जगह में कि किसी के ख्वाबो ख्याल में भी ना आए। सच? सुनो, हमारे दिल को भी वहीं रख दो ना। उसको तो अपने दिल में रख लिया है। तो मैं कौन सी लड़ाई की बात कर रहा था? बांग्लादेश की। करेक्ट। जब जनरल अरोरा ने आपको टेलीग्राम देकर बुलवाया था। ओ करेक्ट करेक्ट। देखिए, शादी की पहली रात और दरवाजे पर दस्तक, नाक नाक नाक। लेकिन नाक, आप तो ये पहले भी बता चुके हैं कि शादी की पहली रात दरवाजे पर दस्तक, नॉक नॉक नॉक। आपने दरवाजा खोला ये सोचा कि आपकी बीवी होगी, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला सस्पेंस, बीवी नहीं थी, कार वाला था। ओ, मैं ये पहले बता चुका हूँ जी, मैं अभी आया। सुनिए सुनिए सुनिए, अब आगे तो बताइए। आगे तो खैर इट्स अ हिस्ट्री, सबको मालूम है। तार मैंने पढ़ा, उसमें लिखा था बी के भंडारी फौरन चले आओ फ्रंट पर, अगर तुम नहीं आए तो हम ये लड़ाई हार जाएंगे। जनाब कश्मकश देखिए, एक तरफ नई नवेली दुल्हन बैठी है और दूसरी तरफ देश का फर्ज मुझे पुकार रहा है। तो आप लड़ाई छोड़कर बीवी के पास रह गए? Never, never in the history of military. बी के भंडारी अगर बहादुरी की परंपरा भूल जाए तो इस देश का क्या होगा? भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, बी के भंडारी की। भंडारी साहब,
जरा आगे भी बताइए ना। आज ही आगे क्या होना था, हम फ्रंट पर पहुंच गए और गोलियां चल रही थी, इधर गोली उधर गोली, यहाँ गोली वहाँ गोली, लेकिन बहारे मेजर भंडारी वाह, दिल में बीवी का प्यार और हाथ में तलवार। तो आप तलवार लेकर लड़ाई लड़ने गए थे? अरे नहीं बरखुरदार, ये तो मुहावरा है। कहने का मतलब ये है कि हाथ में स्टेन गन थी और गोलियां चल रही थी। क्या बदतमीजी है, लेकिन साहब कहानी खत्म नहीं हुई। अरे कहानी खत्म नहीं हुई है। Can I help you, sir? No, thank you. It's all right. तो चाय नहीं पी तुमने? नहीं। लो मैं बना देता हूं। यही है वो अशोक? माइन इज परफेक्ट फॉर सुपर एक्ट्रेस। कंग्रेचुलेशन सर। कंग्रेचुलेशन सर। थैंक यू। थैंक यू। हाउ इज इट गोइंग? इट्स डूइंग एक्सलेंट सर। आई विल बी बैक विद यू। सफलता के पल इतने बेमाने हो सकते हैं, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? बोलो शीतल, बोलो दोस्त। What the hell? अंकल मैं हूँ। अरे राजा बेटा तू है? मम्मी डैडी साथ आए हैं? डैडी स्टेशन पे, मम्मी घर पे, मैं तो नाना के पास जा रहा हूँ। तू अकेला जा रहा है? हाँ, डैडी को एक आदमी चाहिए था ट्रेन की देखभाल करने, इसलिए मैं चला आया। अरे बेटे। अंकल ये दूरबीन है? हाँ बेटे ये दूरबीन है। इससे दूर की चीजें पास दिखती है ना? हाँ। और पास की चीजें नहीं दिखती है? पास की चीजें दुख ले जाती हैं बेटे। कहाँ हो तुम? कहीं नहीं। डॉक्टर से झूठ? सच सच बोलो, क्या सोच रही थी? सोच रही थी डॉक्टर, जिंदगी को चाहे कितना ही पीछे छोड़ो पर जिंदगी पीछे नहीं छोड़ती। मुझे बता सकते हैं मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? पीछा? नहीं तो मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि आप बंबई जा रही हैं। जी हाँ बंबई जा रही हूँ, और कुछ? आप बंबई जा रही हैं, मैं भी बंबई जा रहा हूँ, और ये ट्रेन भी बंबई जा रही है, इत्तेफाक की बात है। आप दिल्ली से आ रही हैं, मैं भी दिल्ली से आ रहा हूँ, और ये ट्रेन भी दिल्ली से आ रही है, इत्तेफाक की बात है। और इत्तेफाक की बात ये है कि मेरे पिताजी दिल्ली में हीरो का व्यापार करते हैं, डायमंड्स। जरूर करते होंगे, बेहतर है कि आप अपने पिताजी के पास जाके बैठिए। अगर पिताजी के पास जाकर बैठना होता और उनकी बात माननी होती तो इस तरह भाग कर क्यों आते? भाग के? जी हाँ, दरअसल बात यह है कि मेरे जो फादर है ना, बहुत लालची आदमी है। वो पैसों की खातिर मेरी शादी एक बकवास लड़की से कर देना चाहते थे, और मैं पैसों को मारता हूँ अपनी जूती की नोक पर। उन्हें चाहिए पैसा और मुझे चाहिए एक अच्छी सी लड़की। आपने किसी लड़की से इश्क किया है क्या? धत तेरे की, माय बैड लक। आजकल ऐसी लड़कियां कहां मिलती हैं?
जो भी मिलती है वो मेरे पैसे को देखती है, और मुझे एक ऐसी लड़की की तलाश है जिसे मैं देखता रहूं, देखता रहूं, देखता। ओहो, अरे जजमान, आप बाहर खड़े हैं, अंदर प्रवेश क्यों नहीं करते? आपकी घड़ी तो बड़ी शुभ है। ओए लाले जी जान, हम तो प्रवेश करना चाहता है पर ये बंद है। ओहो, राहु केतु अंदर होंगे, आपका शरीर बहुत खराब है। हरिओम। हरिओम। टीसी नहीं है, चल। ये वही है। क्या है, आप इसे क्यों ताक रहे हैं? आपसे क्या, ये मेरे मजहब की मानने वाली लड़की है। ये मेरे धर्म वाली लड़की है? जी नहीं, ये मेरे मजहब की है। वो कैसे? नाम से जाहिर है, इसका नाम राम कली है। नाम से तो हिंदू है, इसके नाम में राम है। जी नहीं, इसका नाम राम कली है, ये मुसलमान है, जैसे अनारकली। अनारकली मुसलमान थी। आप तारीख जानते हैं? हिस्ट्री को कुछ समझ है आपको? अरे क्या हिस्ट्री की बात कर रहे हो, तुमको संगीत का ज्ञान है? राम कली राग हिंदू ने बनाया था, इसलिए राम कली हिंदू है। खामोश है आप। जिस वक्त राग राम कली वजूद में आ रहा था तो आप क्या पैदा हो रहे थे? तो क्या आपका बाप पैदा हो रहा था? खामोश है आप। तुम्हीं से बात की। होल्ड, आई सेड होल्ड। शांति शांति। कहाँ है? माय गॉड, आई एम टॉकिंग ऑफ पीस पीस। मेजर भंडारी। खादी भंडार वाले? नो, मेजर भंडारी थ्रू UNO। आई डोंट नो। मैं समझाऊंगा आपको बाद में। मैडम, अगर ज्यादा देर आप इन दोनों के बीच में बैठी रहीं, तो हिंदू मुस्लिम फसाद होने का खतरा है। हाँ, आप मेरे साथ आइए। वैसे बाय द वे, आपका मजहब है क्या? मैं मजहब अजहब को नहीं मानता, मगर हिंदुस्तान में तो आपकी शादी में तकलीफ होगी। हाँ, इसलिए तो मैं अपने स्वीट हार्ट को लेकर हमेशा के लिए स्विट्जरलैंड जा रहा हूँ। नमस्ते, आप वापस नहीं आएंगे? नो, हम वहीं रहेंगे। यहीं भी रहो, खुश रहो, मोहब्बत से रहो। मैं राजा राम मोहन और ये मेरी रानी पद्मिनी। नमस्ते जी। नमस्ते। मुझे चंद्रा कहते हैं और ये मेरी होने वाली बेगम रजिया। हाय। हेलो। और ये है मिस्टर, मेरा नाम उतेश। प्लीज टू मीट यू। ये मेरी बीवी रितु। हेलो। व्हाई डोंट यू कम एंड जॉइन अस? श्योर, कम ऑन डार्लिंग। आइए। हेलो सर। हेलो। कोई बात नहीं। थैंक यू। अच्छा बोल रहा, बोल। आओ। बाद में, बाद में, बाद में। ले ले ले, खा खा। आज तो आपकी बदौलत मजा आ गया। मैं तो अपनी लिपस्टिक भी खा गई हूँ। सर हमजादे को, ये चोर है। नहीं, मैं इंस्पेक्टर रणधीर हूं।
ये देखो ये स्मगलर चंदर है, मैं कब से इसके पीछे पड़ा हूं, पकड़ो इसे। रुक जाओ, कोई भी हिला तो जान से मार डालूंगा, समझे? रजिया जल्दी जाके हीरे लेके आओ, हमें ट्रेन छोड़नी है, जाओ। नहीं नहीं इंस्पेक्टर, नहीं पड़ेगा, कोई हिलेगा नहीं, समझे? राजू आवाज तो सुनी थी आप? राजू को तो पहचानते होंगे आप, ये अकेला बंबई जा रहा है, इसे हिफाजत से बंबई तक पहुंचा दें तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। और आप? मैं मथुरा उतर रहा हूं। क्यों क्यों? जब रास्ते अलग हो जाते हैं तो मंजिल भी एक नहीं रहती। नई जिंदगी मुबारक हो आपको। सुनिए, कुछ और कहना बाकी है क्या? मुबारक हो सीमा, इस वक्त तुम्हें देने के लिए इस अंगूठी के अलावा मेरे पास कुछ नहीं। प्यार की कीमत से इस अंगूठी की कीमत कहीं ज्यादा है। खुश रहो सीमा, मैं तुम्हें कभी परेशान करने नहीं आऊंगा। अलविदा। लो उस्मान अली, तुम भी पियो। नहीं सर, थैंक यू, मैं ड्यूटी पर। अरे भाई, आज तो खुशी का दिन है, ये तो एक ऐतिहासिक सफर है। ये ट्रेन एक ऐसी हिस्ट्री लिखेगी कि सारा हिंदुस्तान इसे कभी नहीं भूल पाएगा। हेलो। हेलो उस्मान भाई, मैं जीवनलाल बोल रहा हूँ। जी हाँ, मथुरा का आउटर सिग्नल हम पास कर चुके। अच्छा अच्छा, थैंक यू। क्या कह रहे हैं जीवनलाल? हम लोग मथुरा पहुंच रहे हैं सर। क्या हुआ सर? कुछ नहीं, मथुरा पहुंच रहे हैं। अरे आओ दादा, आओ चलो मथुरा के पेड़े खिलाए। पेड़े? पेड़े कम? चलो चलो चलो। अरे हुजूर आला, जरा चूना कम लगाइएगा। हाई होट कटेंगे नहीं, आप खाइए। अरे रामकली कहाँ जा रही हो? अरे अब्बू अब्दुल, तुम लोग? उस्ताद कहाँ है, कहाँ जा रहे तुम लोग? जयपुर में, हम भी वहीं जा रहे हैं। हाँ? अच्छा उस्मान अली, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कलेक्टर साहब जी, ये बच्ची रतलाम तक जा रही है, प्लीज इसे उतार दीजिएगा। मम्मी हमें लेने आएगी ना पापा? हाँ बेटे, बेटे हम आपको बिल्कुल ठीक ठाक उतार देंगे, आप चिंता ना कीजिए, मैं इसका ख्याल रखूंगा। थैंक यू। टाटा। ठीक है जवाहरलाल। सलाम सर। सलाम साहब। सलाम। तुम दोनों का नाम रेलवे के हिस्ट्री में लिखा जाएगा। थैंक यू। इंजन ठीक चल रहा है? फर्स्ट क्लास सर। ये रेलवे का हुलिया बदल देगा? हाँ, हुलिया तो बदल ही देगा। आइए आइए जीवनलाल, ऑयल टैंक का लेवल चेक करो। मीटर तो ठीक चल रहा है साहब। मीटर गलत भी बता सकता है, चेक इट अगेन, गो। ओके।
फ्यूल लेवल चेक कर। ओके टेक चार्ज। क्या हुआ? वो मुझे टॉयलेट जाने का था, इसे कहाँ रखूँ समझ में नहीं। यही छोड़ जाइए ना, आप इसका ख्याल रखेंगे? ओ डोंट वरी, चलते डर में से कौन ले जाएगा। थैंक यू सो मच। लाइए दीजिए। आपका बैग लेकर भाग रहा था, लेकिन ट्रेन चल रही थी इसलिए भाग नहीं सका। कोशिश तो पूरी की थी। आप मजाक अच्छा कर लेते हैं। मजाक? और क्या, आपको इन जेवरों की क्या परवाह? आपके डैडी तो खुद इतने बड़े डायमंड मर्चेंट है ना। मेरे डैडी तो बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन मैं जवान और कुंवारा हूँ। और हर जवान आदमी की दो कमजोरियां होती है, एक चमकते हीरे और दूसरी खूबसूरत लड़की। और आपकी कमजोरी क्या है? आप आइए, इसी बात अच्छा हो जाए। चलिए। मोहब्बत में हारने का मतलब समझ में आ गया ना दोस्त? मोहब्बत में हार जीत नहीं होती रणधीर, मोहब्बत मोहब्बत होती है। होती होगी, लेकिन मैं तो हार नहीं मानता। आज मैंने अपना बदला ले लिया है। बदला? अपना भी तुम्हारा भी। किस बात का बदला? विनोद ने मेरी मोहब्बत छीन ली, मैंने कुछ नहीं कहा। उसने मेरी सुपर एक्सप्रेस छीन ली, फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन आज आज सब हिसाब चुकता हो जाएगा। कैसा हिसाब? क्या बक रहे हो तुम? कुछ नहीं दोस्त, अब ये सुपर एक्सप्रेस कभी नहीं रुकेगी। क्यों नहीं रुकेगी? इसलिए कि इंजन में से वैक्यूम ब्रेक मैंने निकाल दी है और उसमें एक छोटा सा टाइम बम भी रखा हुआ है। You son of a bastard! अगर मेरे यार की ट्रेन को कुछ हो गया तो तेरा जो हश्र होगा वो भगवान ही जानता है। अब कोई फायदा नहीं दोस्त, बहुत देर हो चुकी है। ठीक 5:10 पर जब गाड़ी स्टेशन छोड़ेगी, बम। पुलिस! Thank you.
के याराने हैं, पल दो पल का साथ हमारा, पल दो पल के याराने हैं। इस मंजिल पर मिलने वाले, इस मंजिल पर मिलने वाले, इस मंजिल पर मिलने वाले, उस मंजिल पर खो जाने हैं, पल दो पल का साथ हमारा, पल दो पल के याराने हैं। हर
कृपया ध्यान से सुनिए। कितना स्टॉपेज है? 5 मिनट्स, ज्यादा टाइम नहीं। थैंक्स। जंक्शन का रेलवे। अच्छा तो फिर खुदा हाफिज, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। बीना जाने वाली गाड़ी सुपर एक्सप्रेस के जाने के बाद 5:30। यात्रियों से निवेदन है कि जो रेलवे लाइन दरवाजा नहीं खुलेगा। दरवाजा अरे जाओ यहाँ से। कहाँ दरवाजा नहीं खुलेगा? ऐसे में बम पर फौरन गाड़ी रुकवा दी। अरे बम बम कुछ नहीं, मैं तुम जैसे लोगों को अच्छी तरह जानता हूँ। आई डोंट यू अंडरस्टैंड यू इडियट। करो तुम चाहते क्या? फॉर गॉड सेक ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। किसी पागल ने इंजन में बम रख दिया है। आप क्या सोच रहे हैं? ड्राइवर को इन्फॉर्म कीजिए, गाड़ी रुकवाइए। वैक्यूम ब्रेक है। हाँ। ये काम नहीं करेगा, उस हरामजादे ने इसे पहले ही काट दिया है। ओह माय गॉड। आप किसी ड्राइवर को इन्फॉर्म कीजिए प्लीज। हाँ। हेलो जीवनलाल, इमरजेंसी ब्रेक लगाओ, गाड़ी में बम है। क्या कहा? जीवनलाल डैंगो डैंगो बोलते क्यों नहीं? लगता है मैंने आने में देर कर दी। मैं कैबिन से बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। अभी अभी सुपर एक्सप्रेस पास हुई है। तो क्या हुआ? जरूर कुछ गड़बड़ है, बहुत तेज जा रही थी, ड्राइवर को स्लो करना चाहिए था। तो क्या हुआ? सुपर एक्सप्रेस है, तेज तो जाएगी। तू पागल है, सुपर एक्सप्रेस को क्या हो सकता है? बड़े बाबू, क्या है? ड्राइवर ने प्रोसीड सिग्नल नहीं दिया। प्रोसीड सिग्नल नहीं दिया? सिग्नल नहीं दिया। नहीं दिया? जी हाँ। आओ हेलो शाबाश। क्या बात है, गाड़ी अभी तक नहीं आई? टाइम हो गया है, तुम्हें मालूम मेरी बेटी पहली दफा आ रही है। अरे संभल कर आ जाएगी, अभी वक्त कहाँ हुआ है। गाड़ी राइट टाइम है, बस सब आने वाली। बड़े बाबू, बड़े बाबू आपका फोन। अच्छा गाड़ी आने वाली है। हाँ। यस रतलाम स्पीकिंग। मैं नाटा से बोल रहा हूँ, सुपर एक्सप्रेस ने पुरसे सिग्नल नहीं दिया। व्हाट? नमस्कार, हम कुछ ही देर में रतलाम पहुँचने वाले हैं। रतलाम पे हमारी गाड़ी सिर्फ 7 मिनट। मेरी नानी लेने आएगी, मेरे भी नानी लेने। आओ बेबी, तुम्हारा स्टेशन आ गया। अच्छा चलो हट जाओ पीछे, हट जाओ। क्यों नहीं रुकी? सर, सर, व्हाट्स हैपनिंग सर? आई नो, सर। आई नो,
सुनो, मिलने इसमें कितनी ट्रेन है? चार हैं सर। सुपर एक्सप्रेस के सबसे करीब कौन सी ट्रेन है? 20 अब गोधरा के करीब है। अच्छा, 20 आपको पिपलो से क्लियर करके गोधरा पर लो और गोधरा पर उसे लूप लाइन पर रखो। यस सर। सुनो तुम मेघानगर और दाहोद के स्टेशन मास्टर को फोन करो और उन्हें कहो कि स्टेशन पर अलर्ट रहें, शायद सुपर एक्सप्रेस के ड्राइवर उन्हें कोई सिग्नल देने की कोशिश करें। गेट मी द चेयरमैन। राइट सर। क्या इमरजेंसी जेंटलमैन भाई? कुछ ना कुछ तो बात जरूर। बेवक मीटिंग इसलिए बुलवाई गई है कि अभी अभी हमें कंट्रोल रूम में एक गंभीर खबर मिली है। क्या? सुपर एक्सप्रेस ट्रेन रतलाम स्टेशन पे नहीं रुकी। नहीं रुकी? क्यों नहीं रुकी? क्या कारण हो सकता है? ड्राइवर ड्राइवर क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? अरे ये तो सुपर एक्सप्रेस का ड्राइवर डेंगू है, अभी तक जिंदा है। क्यों क्यों बम इंजन में? चलो उठाओ इसे, बम संभल के। चलो चल देखो। सर मैं एक बुरी खबर लाया हूँ। क्या? सुपर एक्सप्रेस का असिस्टेंट ड्राइवर डेंगू ट्रैक पे मिला है। कब कहाँ कैसे? सर एक गुजरते मालगाड़ी के ड्राइवर ने उसे स्पॉट किया है। डेंगू ने मरते मरते ये कहा कि इंजन में एक बम फटा जिसके धमाके से वो इंजन के बाहर गिर पड़ा। ड्राइवर जीवन लाल का भी कोई पता नहीं। ओह माय गॉड, ये तो बहुत बुरी खबर है। सर अब हमारे सामने तीन बातें जाहिर हो चुकी है। नंबर एक, इंजन में एक्सप्लोजन हुआ। नंबर दो, इंजन में ड्राइवर्स नहीं है। और नंबर तीन, क्योंकि गार्ड भी ट्रेन को रोक नहीं पाया इसलिए वैक्यूम ब्रेक्स भी फेल हो चुके हैं। अब ट्रेन को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है। वो क्या है? सर अगर कोई इंजन में जाकर इमरजेंसी ब्रेक्स लगा दे तो ट्रेन रुक सकती है। पागल हो गए हो क्या? इंजन में जाएगा कौन? गाड़ी 100 मील की रफ्तार से चल रही है। सर ट्रेन में 500 मुसाफिरों की जान खतरे में है। अगर हम ये मैसेज उन तक पहुंचा दें तो उनमें से एक तो साहस करेगा। लेकिन चलती गाड़ी में मैसेज पहुंचाओगे कैसे? ऑल इंडिया रेडियो। ऑल इंडिया रेडियो? यस सर। ट्रेन में अक्सर मुसाफिरों के पास ट्रांजिस्टर्स होते हैं, अगर एक भी ट्रांजिस्टर ऑन रहा तो हमारा मैसेज उन तक पहुंच जाएगा। गार्ड भाषा गड्डी क्यों नहीं रुक रही है? सब ये तो है ना, देखिए वो आपको छिपा रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, आप जरूर कुछ छुपा रहे हैं। प्लीज मेरी बात सुनिए। देखिए ठीक ठीक तो हमें भी नहीं मालूम कि क्या हुआ है, लेकिन आप लोग घबराइए मत, लगता है गाड़ी के वैक्यूम ब्रेक में कुछ खराबी आ गई है। गाड़ी नहीं रुकता रे। कौन बोलता रे? वो गाड़ी साहब बोलता है वैक्यूम खराब हो गया, क्या करेगा यार? मुसीबत है। चलो चलो गार्ड बाबू, इंजन ड्राइवर कुछ नहीं कर सकता। देखिए ड्राइवर्स जो भी कर सकते हैं जरूर कर रहे होंगे, लेकिन हो सकता है शायद वो भी लाचार हो। या अल्लाह तेरा ही आसरा है। बंद कर, बंद कर रेडियो, बंद कर। अरे बच्चा ये क्या लगा रखा है, रेडियो बंद कर दो। ओए बच्चा रेडियो बंद करो, ये कोई गाने सुनने का वकूत है? हाँ हाँ बंद कर दे। सुपर एक्सप्रेस के यात्रियों ठहरो,
लगता है इसमें हमारे लिए कुछ मैसेज है, कुछ बोला जा रहा है। ध्यान दीजिए, कृपया ध्यान से सुनिए। सुपर एक्सप्रेस के यात्रियों, अगर आप हमारी आवाज सुन रहे हो तो किसी भी आने वाले स्टेशन पर लाल कपड़ा फेंक दीजिए, ताकि हमें मालूम हो जाए कि आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है। हम एक बार फिर दोहराते हैं कि अगर आप हमारी आवाज सुन रहे हो तो किसी भी आने वाले स्टेशन पर बराए मेहरबानी लाल कपड़ा फेंक दीजिए, ताकि हमें मालूम हो जाए कि आप हमारी आवाज सुन रहे हैं। आप लोगों ने सुना, किसी के पास लाल कपड़ा तो फौरन दे दो, ताकि हम उसे फेंक दें और रेलवे वालों को इतला हो जाए कि हमने उनकी आवाज सुन ली है। प्लीज टाइम वेस्ट मत कीजिए, किसी के पास लाल कपड़ा है? अरे भाई किसी के पास है लाल कपड़ा? ये लीजिए। नहीं मैं नहीं दूंगी, ये मेरे सुहाग का जोड़ा है। देखिए बहन जी, बहुतों की जिंदगी खतरे में है, आप प्लीज हमें इसे दे दीजिए। आई एम सॉरी, मैं नहीं दे सकती। ये लीजिए, मैं देती हूँ, मेरा ना सुहाग है ना कभी होगा। निकाल कर लूप लाइन पर ले लो, बड़े साहब का ऑर्डर है। हाँ हाँ बड़े साहब। यस सर, मेन लाइन क्लियर कर दिया सर। यस सर, मालगाड़ी का लूप लाइन पर ले लिया। यस सर। विनोद, यस सर, रेडियो पे अनाउंसमेंट क्यों दी? यस सर, रेडियो पे अनाउंसमेंट की, लेकिन कोई मैसेज नहीं आया सर अभी तक। क्या हुआ? यस सर। विनोद लिसन टू मी, ट्रेन को क्या हुआ? आई डोंट नो, आई डोंट नो। मुझे शक है ट्रेन बेकाबू हो गई है। यस सर। बेकाबू हो गई है? यस सर। मेरे राजू का क्या होगा? Yes, मेरे राजू का क्या होगा? बता क्या होगा? Okay. बताओ उसका क्या होगा? क्या होगा? कंट्रोल। सिर्फ तुम राजू की माँ नहीं हो, मैं भी उसका बाप हूँ, मुझे भी उसका उतना ही ख्याल है। कंट्रोल योरसेल्फ। कहते मिस्टर सुब्रमण्यम, अगर ख्याल है तो तुम कर क्या रहे हो? उस बेकाबू ट्रेन को रोकने के लिए तुम कर क्या रहे हो? तुम मुझे कुछ करने दो तब ना। अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। शीतल, तुम सिर्फ राजू के बारे में सोच रही हो, उस ट्रेन में 500 आदमी और भी हैं, मुझे उनकी भी फिक्र है। मुझे 500 आदमियों से क्या, मुझे सिर्फ अपना बच्चा चाहिए, मुझे राजू चाहिए। तुम क्या समझती हो कि मुझे राजू नहीं चाहिए, मुझे अपना बच्चा नहीं चाहिए? सर, ट्रेन के मुसाफिरों ने लाल कपड़ा फेंक दिया है, सब लोग सर रेडियो स्टेशन पर आपका इंतजार कर रहे हैं सर। ओह थैंक गॉड। शीतल, शीतल, राजू के साथ साथ तुम 500 लोगों के बारे में सोचो, वो भी किसी के बेटे बेटियां हैं। सुपर एक्सप्रेस के यात्रियों, मैं सुपर एक्सप्रेस का इंजीनियर विनोद बोल रहा हूँ। हमें आपका फेंका हुआ लाल कपड़ा मिल गया है। अब मैं जो कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए। आप तो जानते हैं कि गाड़ी रुक नहीं रही, शायद ब्रेक फेल हो गई है या ड्राइवर लाचार है। अब सवाल यह है कि गाड़ी रोकी कैसे जाए। इस मुश्किल को आप लोग ही हल कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग गाड़ी में हैं। अगर आप में से 2-3 नौजवान हिम्मत करके गाड़ी की छत से होते हुए इंजन तक पहुंच जाए तो गाड़ी रोकी जा सकती है। इंजन में ड्राइवर पैनल के ऊपर 2 लीवर्स हैं, एक छोटा और एक बड़ा। छोटा लीवर ब्रेक है और बड़ा लीवर एक्सेलरेटर। अगर दोनों लीवर्स को आहिस्ता आहिस्ता बाई तरफ घुमा दें तो गाड़ी रुक जाएगी। मैं फिर से कहता हूं, अगर दोनों लीवर्स को आहिस्ता आहिस्ता बाई तरफ घुमा दें तो गाड़ी रुक जाएगी। ऑल द बेस्ट। आप लोगों ने सुना, बोलिए मेरे साथ चलने को कौन कौन तैयार है? हम जाएंगे, आइए। रवि अपना ख्याल रखना। अशोक सुनो, अपना ख्याल रखना। तुम कह रही हो, अब तुम्हारे मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती। I think she's in labor. देखिए वहां से मेरा बैग मंगवा दीजिए और गर्म पानी ले। और थोड़ी हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। अटेंडेंट जी साहब, गर्म पानी लाओ, क्विक, जल्दी, अभी लाया।
क्यों अभी तक यहाँ क्यों बैठी हूँ? देख नहीं रही आग कहाँ तक आ पहुंची? तुम ठीक हो ना अशोक? ये धमाका सुनकर मैंने सोचा कहीं तुम्हें कुछ। इतनी फिक्र है तुम्हें मेरी? अब ये नाटक किस लिए? मेरे सपनों को बेचकर ना जाने क्या खरीदा है तुमने। तुम्हारे ये आंसू तुम्हारी बेवफाई पर पर्दा नहीं डाल सकते। सीमा, 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 ये क्या हुआ सीमा? यही है मेरी बेवफाई। क्या क्या कह रही हो सीमा? मैं मन्नत मांगने गई थी ना, लौटते वक्त एक्सीडेंट हो गया था। नहीं नहीं सीमा, मैं लाचार हो गई थी अशोक, और मैंने सोचा अब तो वफा का तकाजा यही है कि मैं बेवफा हो जाऊं। इतनी बड़ी सजा दी है तुमने अपने आप को सीमा, मुझे बता तो दिया होता। सच्चाई बताकर मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती थी सीमा। और मिले भी तो कब, जब मौत सामने खड़ी है। मौत? अब तुम साथ हो सीमा तो मैं मौत से भी लड़ लूंगा। विनोद को खबर आई? यस सर, मैसेज आया है कि तीन आदमी ट्रेन की छत पे से इंजन की ओर बढ़ रहे हैं। अब तक उन्होंने ट्रेन रोक ली हो। गुड सर। हाँ सर, आग सर। आग? सुपर एक्सप्रेस में आग लगी है सर। सुपर एक्सप्रेस में आग? आग कैसे लग सकती है सर? मैसेज आया है कि ट्रेन आग के तूफान की तरह भागी जा रही है सर। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, सुपर एक्सप्रेस में आग। सुनिए, देखिए गाड़ी में आग लग चुकी है, आप घबराने से कोई फायदा नहीं। एक काम कीजिए, बच्चे और मैं सब पीछे चले जाइए, और कुछ लोग मेरे साथ आ सकते हैं मेरे साथ आइए। आइए मेरे साथ। कंपार्टमेंट में आग लग चुकी है, सब लोग बाहर आ जाओ, फौरन सब खिड़कियां तोड़ दो। आइए जल्दी, खिड़कियां तोड़ दो, सब खिड़कियां तोड़ डालो। क्या बात है? बच्चे टॉयलेट किया था, मिल नहीं रहा है। किस तरफ? डाइनिंग हॉल की तरफ। आग बहुत आगे बढ़ चुकी है। ब्लैंकेट है कोई? अशोक, डोंट वरी सीमा। टीचर, टीचर! शहर से डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। आग, आग लग गई। आग? बचाओ! बचाओ! तुम घबराओ मत, यही ठहरो, मैं मदद लेकर आता हूँ। बचाओ, अगर मदद मिल सकती तो अब तक मिलती नहीं। उदेश, मुझे बहुत डर लग रहा है। उदेश, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। रितु, तुम तो मेरी जिंदगी हो, मुझे तो खुशी इस बात की है कि हम एक साथ हैं। मैं कहती थी ना, साथ जिएंगे साथ मरेंगे, शायद भगवान ने हमारी सुन ली। आप
रफ्तार को हम रोक नहीं सकते, आग को बुझा नहीं सकते, शायद हम कुछ नहीं कर सकते। सर विनोद, सुना तुमने, फायर इंजन भी कामयाब नहीं हुए, आग नहीं बुझी। मैं जानता हूँ सर, मुझे आग की चिंता नहीं, गाड़ी की है, गाड़ी रुकी तो आग भी बुझ जाएगी। लेकिन गाड़ी रुकेगी कैसे, इसके लिए सोचा तुमने कुछ? यस सर, ये मिस्टर डिसूजा हैं, हेलीकॉप्टर के पायलट, मैंने इनसे बात की है और इनकी भी ये राय है कि हेलीकॉप्टर के जरिए हम अपने एक इंजन ड्राइवर को ट्रेन के इंजन पे उतार सकते हैं और वो गाड़ी रोक सकता है। अगर ये मुमकिन है तो सोच कह रहे हो, किसी तरह भी गाड़ी को रोक दो। मिस्टर डिसूजा, आप कितनी देर में रेडी हो सकते हैं? 15 मिनट सर। तो फिर आप तैयारी कीजिए, हमारा आदमी वहां पहुंचा। मैं जरूर आपके आदमी को ट्रेन पर उतार दूंगा। अब मैं देखता हूं ये गाड़ी कैसे रुकती है। हेलीकॉप्टर में मैं जाऊंगा, अब ये गाड़ी कभी नहीं रुकेगी, कभी नहीं। क्या कर रही है आप, फिक्र मत कीजिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, धीरज रखिए। धीरज रखिए, धीरज रखिए, क्या धीरज रखिए? अगर आपका लड़का इस ट्रेन में होता तो मैं आपसे पूछता, समझे आप? बोलिए जवाब दीजिए। सर सर मुझे कोसने आई हो, क्योंकि तुम्हारा बेटा उस बेकाबू जलती ट्रेन में है। क्या ताना देना चाहती हो? सारी दुनिया तो मुझे कोस ही रही है, तुम कोसना चाहती हो ना, कोसो। विनोद, मैं तो ये कहने आई हूं कि हिम्मत मत हारना, भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहा है। विनोद, भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहा है। शीतल। हाँ विनोद, मुझे आज एहसास हुआ है, घर और पत्नी के अलावा कई और जिम्मेदारियां होती हैं जिनका बोझ पति के कंधे पर होता है। ट्रेन तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। हाँ शीतल, हाँ ये मेरी जिम्मेदारी है। अगर मैं इन 500 मुसाफिरों की जान नहीं बचा सका तो मुझे भी जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं। नहीं विनोद, नहीं। अगर मेरे सुहाग में शक्ति है
तो तुम हमेशा जिंदा रहोगे। मैं जानती हूँ इस ट्रेन को सिर्फ तुम बचा सकते हो विनोद, सिर्फ तुम। तुम में हिम्मत है, तुम में जुर्रत है। ओ शीतल, विनोद मैं तुम्हारे साथ हूँ विनोद, विनोद। मैं कितना अकेला हो गया था शीतल, तुम्हारे बिना, अपने दोस्त के बिना। सीमा, जब मरना चाहता था तो मौत नहीं आई, आज जीना चाहता हूँ तो मौत सामने खड़ी है। देखो भाइयों, इससे पहले कि आग इस डिब्बे तक आ जाए इसे फौरन खाली कर दो। पर जाए कहाँ, आग तो आखिरी डिब्बे तक हमारा पीछा करेगी। वही, ये तो मौत की तरह हमारा पीछा कर रही है। न आग रुके है न गाड़ी, हे भगवान। लेकिन मौत से भाग के जाए कहाँ, जाए कहाँ, जाए जाए। लेकिन मौत से पहले तो नहीं मारा जाता, फिलहाल इस डिब्बे को खाली कर दो, फिर देखते क्या करना है। चलो चलो, खाली कर दो, खाली कर दो, चलो चलो, बॉम्बे सेंट्रल खाली कर दीजिए, बॉम्बे सेंट्रल खाली कर दीजिए। सुपर एक्सप्रेस बेकाबू हो गई है और सौम्य की रफ्तार से बॉम्बे सेंट्रल की तरफ आ रही है। हम आपसे विनती करते हैं, बॉम्बे सेंट्रल खाली कर दीजिए, बॉम्बे सेंट्रल खाली कर दीजिए। हाँ हाँ साहब, मैं पागल हो गया हूँ। जब आदमी की अकल काम नहीं करती तो वो कर भी कह सकता है। मैं यहाँ उस ट्रेन के मुसाफिरों को रिसीव करने आया था, उनकी मौत की खबर का इंतजार करने नहीं। वो तो ठीक है, पर क्या सर, हम लोग चुपचाप नहीं बैठ सकते। दिल्ली से लेके यहाँ तक के पूरे रास्ते में उस ट्रेन को बचाने के लिए सब लोग कुछ ना कुछ कर ही रहे होंगे। ट्रेन के मुसाफिर भी अपनी तरफ से मौत का पूरी तरह से मुकाबला कर रहे होंगे और हम लोग सिर्फ परेशान हो रहे हैं कि बॉम्बे सेंट्रल को खाली कैसे किया जाए ताकि उस बदनसीब ट्रेन के मुसाफिरों को मरने के लिए खुली जगह मिल जाए। अरे साहब, यू बैठे बैठे कुछ नहीं होगा, ट्रेन मौत की रफ्तार से हमारी तरफ आ रही है, वक्त बहुत कीमती है। सर, हमें इस तरह का एक मील लंबा इंक्लाइन बनाना चाहिए और उसके इस तरफ रेत का ढेर होगा। हम ट्रेन को इस इंक्लाइन पर ले जाएंगे जिससे उसकी रफ्तार कम हो जाएगी और इस तरह से जब ट्रेन इस रेत के ढेर से टकराएगी सर, मुमकिन है नुकसान कम हो। क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हो, डोंट बी चाइल्डिश। एक मील लंबा इंक्लाइन बनाने के लिए वक्त कहां है? मौत ने जिंदगी को कब वक्त दिया है सर? जिंदगी हमेशा हारती बाजी लड़ती है और जीतती है। मिस्टर राकेश, तुमने जिंदगी को सिर्फ किताबों में पढ़ा है, देखा नहीं। तुम्हारा जोश काबिले तारीफ है, लेकिन ये लेकिन एक बहुत खूबसूरत वर्ड है सर, मौत के सामने सब कुछ लेकिन ही होता है, फाइनल कुछ भी नहीं। फिर भी आदमी इस लेकिन की ताकत को लेकर लड़ता है। हो सकता है मुझे सफलता ना मिले, फिर भी कोशिश करना मेरा काम है, मेरा धर्म है। मैं आप सबसे उन 500 जिंदगियों का वास्ता देकर अपील करता हूं, मुझे यह इंक्लाइन बनाने की इजाजत दी जाए। तुम क्या कर रहे हो? और मिट्टी भेजो जल्दी से। ओके सर, चलो जल्दी करो तुम लोग। तुम लोग देख क्या रहे हो, उठाओ जल्दी जल्दी, चलो चलो उठाओ से। मैक, यस सर। मैक सर, ट्रैक अभी तक क्यों नहीं पहुंचे? बस अभी आते होंगे। व्हाट द हेल डू यू मीन अभी आते होंगे? जाओ जाकर फोन करो, पता करो अभी तक क्यों नहीं पहुंचे। क्या कर रहे हो तुम लोग? एक मिनट नहीं फिट कर सकते हो, इतना टाइम इसमें। थोड़ा सा करो, नहीं आ रहा। आग तो बढ़ती जा रही है, हमारी अब जान नहीं बची। हमारी हालत तो ऐसी है जैसे जंगल की आग में घिरे हुए जानवरों की होती है, इधर भी मौत उधर भी मौत। एक आइडिया है, और मेरे साथ। अशोक, क्या सोच रवि, जिस तरह जंगल में बढ़ती आग को रोकने के लिए कुछ जंगल साफ कर देते हैं, क्यों ना गाड़ी के हिस्से को तोड़ दिया जाए ताकि आग आगे ना बढ़ सके। गुड आइडिया। Thank you.
घर बना लिया तो क्या कर लिया आपने? हमने कमाले आग रोक दी। हाँ हाँ आग रोक दी। हाँ आग तो रोक दी, मौत तो नहीं रोकी। मौत तो सिर्फ डली, रुकी नहीं। ये ट्रेन इसी खूंखारी रफ्तार से भागती चली जाएगी, भागती चली जाएगी, जब तक मौत का स्टेशन नहीं आ जाता। मौत, मौत का स्टेशन, का स्टेशन। हाँ मौत का स्टेशन। उस स्टेशन से जब ये ट्रेन टकराएगी तो हमें से कोई नहीं बचेगा, हम सब के सब मर जाएंगे, सब के सब, कोई जिंदा नहीं रहेगा। बंदो दिमाग, सरदार नहीं होकर रोनी है? की करा, अपने वास्ते ली एला बच्चा वास्ते रोनी है, इन्हां ने जिंदगी च की देखे। रोन नल की मिलना, वाहे गुरु नु याद कर, नानक नाम जहाज है चढ़े सूत्र पास। वाहे गुरु। क्या देख रही हूँ? मौत से पहले जी भर के देखना चाहती हूँ सीमा। डर लगता है। किस बात का डर? मौत का नहीं, जुदाई का। साथ मरने को तुम जुदाई कहती हो? सोचो ये मौत कितनी खूबसूरत होगी। अगर मौत इतने करीब न होती तो शायद ये बात कहने में कुछ देर लग जाती है, पर जिंदगी और वक्त की बहुत सख्त कमी है, इसलिए मरने से पहले ये बता देना चाहता हूं कि मैं एक चोर हूं। मैं तुम्हारे सेवरों के पीछे इस ट्रेन में आया था। अगर इस ट्रेन में आग न लगी होती तो मैं तुम्हारे जेवर चुरा कर किसी भी स्टेशन पर उतर गया होता, मगर इस आग ने और इस हंगामे में तुमने मेरे दिल पर हाथ साफ कर दिया। मुझे मालूम था तुम मेरे जेवर चुराने आए थे, लेकिन फिर भी मुझे एक चोर से प्यार हो गया। इस मौत से तो हम बच नहीं सकते, फिर भी आप हमारा इलाज कर रहे हैं, ऐसे ही मर जाएं तो अच्छा है। डॉक्टर एक डूबते हुए जहाज के कप्तान की तरह होता है, जब तक मौत आ न जाए मौत से लड़ता रहता है। शांति, सब ठीक हो जाएगा, बस भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें मौत से डर लगता है? नहीं, मैं मौत से नहीं डरती, पर हमारे बच्चे हमारी लाशों को कैसे पहचानेंगे? हमारे धोखे में न जाने किन किन लाशों से लिपट कर रोएंगे। पंडित जी, आज जब हम सब जिंदगी की आखिरी घड़ियां गिन रहे हैं तो पता चला कि मौत न हिंदू है न मुसलमान। सत्य है मौलाना, आज जब मौत हमारे सामने नजर आती है तो मालूम होता है मौत का ना कोई धर्म है न ईमान। माँ, बच्चा ना ही पैदा हो तो अच्छा है, इस बढ़ती हुई मौत के सामने उस ननी सी जान को जिंदगी की दो घड़ियां भी नसीब ना होंगी। मौत क्या आती है टीचर? हम मर जाएंगे टीचर। नहीं नहीं, कोई नहीं मरेगा, बच्चों की प्रेयर में बहुत ताकत होती है। प्रे माय चाइल्ड, लेट अस प्रे। तेरी है जमीन तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शीश कर। तेरी है जमीन
गए? गाओ ना बच्चों, गाओ। वक्त पे तैयार नहीं हो सकता, आग बुझ नहीं सकती, 500 आदमियों की जान खतरे में है। समझ नहीं आता क्या होगा, ये ट्रेन रुकेगी कैसे? सर, आई हैव एन आईडिया, सर। सर, आई हैव एन आईडिया, प्लीज कम। यहां से यहां तक ये दोनों रेलवे ट्रैक बिल्कुल सीधे और साफ है। सुपर एक्सप्रेस इस ट्रैक पे है। हम दूसरे ट्रैक पर एक इंजन जिसकी रफ्तार भी 100 मील की हो, सुपर एक्सप्रेस के साथ साथ दौड़ा सकते हैं। उससे क्या होगा? सर, अगर एक आदमी फायर प्रूफ सूट, डायनामाइट और बाकी जरूरी सामान लेकर इस इंजन से सुपर एक्सप्रेस तक पहुंच जाए, तो वो फायर प्रूफ सूट पहनकर आग को पार कर सकता है और इंजन में पहुंचकर इमरजेंसी ब्रेक ऑन कर सकता है। जानते हो, 100 मील की रफ्तार से चलती हुई एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में जाना न सिर्फ बेवकूफी है बल्कि मौत को दावत देना है। मैं जानता हूं सर। कौन जाएगा? कौन जाएगा मरने के लिए? कोई और नहीं, मैं खुद जाऊंगा। तुम? नहीं नहीं विनोद, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। मैं तुम्हें मरने की इजाजत नहीं दे सकता। सर, मेरी भी कुछ जिम्मेदारी है, मेरा भी फर्ज है, और ये आखिरी कोशिश मैं जरूर करूंगा। सामान सब चेक कर लिया, चलो हेलीकॉप्टर में रखो। अच्छा पिताजी, मैं चलता हूं। जीते रहो, भगवान तुम्हें कामयाब करे। शीतल, फिक्र मत करना। शीतल, तुम्हारा प्यार मेरे साथ है। Okay.
गोले मार दो आप। पीछे रजिया, मेरी हथकड़ी खोलो। हट रजिया, इसकी जेब से हीरे निकालो जल्दी। पागल मत बनो, उसके अंदर आने से सबकी जान बचाएगी। मुझे ऐसा क्या, अगर ट्रेन रुकी तो सब बच जाएंगे और मैं पकड़ा जाऊंगा, मुझे फांसी हो जाएगी। लेकिन मैं मरना नहीं चाहता, मैं जीना चाहता हूँ। रजिया ऊपर आओ, हट जाओ। कमीने, तुम अपनी जान बचाने के लिए हम सबको मार डालोगे। तुम आदमी हो या हैवान? अगर जान प्यारी है तो हट जाओ। दिखाने नहीं आया था ना, इसलिए यह हादसा हुआ। क्या कभी तुझे मेरी याद नहीं आई? मुझे माफ कर देना बिनी। शुकी, अरे भाई लोग, वो सब तो ठीक है, अब ये सोचो कि गाड़ी कैसे रुकेगी। आओ मेरे साथ।
एड, ये देखिए साहब आ गए। अरे भाई बताता हूँ। सुनिए मेरी बात सुनिए, अब घबराने की कोई बात नहीं। मैं अपने साथ फायर प्रूफ सूट लेकर आया हूँ, उन्हें पहनकर हम आग में से गुजर सकते हैं। अब चिंता करने की कोई बात नहीं, हम गाड़ी रोक देंगे। आमीन आमीन या अल्लाह। तुम वापस तो आ गए ना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। डैडी ये क्या है? बेटे एक्सप्लोजिव्स हैं, बारूद। एक्सेलरेटर दोनों फेल हो चुके हैं। अब क्या होगा? क्या गाड़ी नहीं रुकेगी? नहीं, इस इंजन के तो सब कंट्रोल फेल हो चुके हैं। डैम इट! तुम्हारे पास डायनामाइट है ना? हाँ। तो क्यों ना इंजन और गाड़ी के बीच के कपलिंग को उड़ा दिया जाए? तुम पागल हो गए हो क्या? अगर स्पीड में कपलिंग उड़ाया जाए तो ट्रेन पटरी से उतर जाएगी, सबके सब मर जाएंगे। मरना तो वैसे भी है, पायलट टेक अ चांस। अरे हाँ, एक काम हो सकता है, अगर हम ट्रेन को इंक्लाइन पे लें तो स्पीड कम हो जाएगी, उस वक्त हम कपलिंग उड़ा सकते हैं। कपलिंग उड़ाते हो जो धमाका होगा उस झटके से लोगों को क्या होगा? सुनो, तुम वापस जाओ और पैसेंजर से कहो कि अपनी अपनी सीट पे बैठ जाए और किसी भी चीज से अपने आप को बांध ले। ओके, बेस्ट लक। बस ये एक चांस है। हेलो हेलो राकेश सारी प्रैक्टिस। हेलो हेलो, डू यू रीड मी? यस विनोद,
आई रीड यू मैं सुन रहा हूँ, बोलो। राकेश इंक्लाइन कितना तैयार हो चुका? विनोद इंक्लाइन पूरी तरह तैयार नहीं है। सुनो, हमें इंक्लाइन पे डाल दो। पागल हो गए क्या विनोद? पूरी फिश प्लेट अभी तक नहीं लगी है, ट्रेन डिरेल भी हो सकती है। राकेश, ये बहस करने का वक्त नहीं है। गाड़ी के सारे कंट्रोल्स फेल हो चुके हैं। जो मैं कहता हूँ वो करो। ओवर एंड आउट। मैं विनोद। सर, मैंने सब कुछ सुन लिया है। गो अहेड मैक। पोजीशंस राइट सर। चलो अपनी पोजीशन ले लो, काम जारी रखो। रोकने के लिए कपलिंग को ब्लास्ट करने वाले हैं। आप लोग अपने आप को किसी न किसी चीज से बांध दीजिए ताकि जब धमाका हो किसी को चोट ना पहुंचे। चलिए विनोद और अशोक तो ठीक है ना? जी हाँ, वो ठीक है। वो लोग कपलिंग को ब्लास्ट करने वाले हैं। अगर ट्रेन रुके तो उनका क्या होगा? बच्चों को बांधने के लिए कुछ कपड़ा दे सकते हैं आप? ये तो साढ़े बच्चे वास्ते है। सरदार जी, आपकी पगड़ी। पागल हो गई है? सरदार जी ने पगड़ी बांध दी है। चुप रहा है पलिए लोके। हमारे गुरुओं ने लोगों के लिए सर कटवा दिए और मैं अपनी पगड़ी नहीं दे सकता? ले पहना, ले पहना। प्लीज, गॉड ब्लेस यू। एक गाड़ी इधर लगा। ट्रेन आ रही है, इंक्लाइन खाली करो। जल्दी करो। ट्रेन आ रही है, इंक्लाइन खाली करो। जल्दी करो, ट्रेन आ रही है। जल्दी करो। हेलो, हेलो राकेश, हम लोग तैयार हैं। हमें इंक्लाइन पे कब डाल रहे हो? मैक, सुपर एक्सप्रेस को इंक्लाइन पे डाल दो। ओके सर। विनोद, हमने तुम्हें इंक्लाइन पे डाल दिया है। बेस्ट ऑफ लक। ओके। सतनाम शिवाय गुरु, सतनाम शिवाय गुरु। राम चाचू, मम्मी,
राजू, राजू मेरे बच्चे, मेरे लाल, मेरी जान, मेरे बच्चे, मेरी जान, मेरी जान। शीतल, सीमा, तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूँ। सीमा, विनोद। आहिस्ता विनी, आज मैं बहुत खुश हूँ। क्यों, मेरी ट्रेन जल गई इसलिए? नहीं यार, आज मेरा यार मुझे मिल गया। क्या हुआ? मैंने कुछ नहीं किया। क्या हुआ? वो कहा है